स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास फोर्थ के ईवीएस का चैप्टर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ रहे थे, तो कल हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज हमें और क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों आज हमें क्वेश्चंस करने हैं आंसर व्हाई। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई समटाइम्स एवन फिल्टर्ड वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि जो हम वाटर फिल्टर करते हैं वो भी पीने के लिए सेफ नहीं होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर हम वाटर को फिल्टर करते हैं पीने से पहले, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिल्टर्ड वाटर जो होता है वो भी पीने के लिए ठीक नहीं होता है, ऐसा क्यों है? तो हमें आंसर लिखना है इसका। तो बच्चों आंसर लिखेंगे, फिल्टर्ड वाटर लुक्स क्लीन, इट डजेंट कंटेन इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, but it may contain harmful germs and bacteria, so sometimes unfiltered water is not safe for drinking. तो जो फिल्टर्ड वाटर होता है इट लुक्स क्लीन, यानी कि ये अगर हम इसको देखेंगे दूर से या गिलास में ये वाटर डालेंगे तो हमें ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, हमें इसमें कोई डर्ट या कोई इम्प्योरिटी दिखाई नहीं देगी, तो इट विल लुक क्लीन, क्योंकि ये फिल्टर किया हुआ होता है इसलिए ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इट डजेंट कंटेन इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इसमें कोई इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी आपको दिखाई नहीं देगी, बट इट मे कंटेन हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, मगर इसमें क्या होता है, इसमें हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इट मे कंटेन, इसमें हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया जो कि हम अपनी आँखों से ऐसे नहीं देख सकते हैं विद नेकेड आइज, बट वी कैन सी देम अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, तो जब इसमें ये बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं तो इसलिए हम ये कहते हैं कि समटाइम्स इवन फिल्टर्ड वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, के कई बार जो फिल्टर्ड वाटर होता है वो भी ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो another question is why we should not dip our hands in a pond, हमें पौंड यानी कि तालाब में, हमें पानी में, तालाब का पानी जो होता है हमें उसमें अपना हाथ जो है, हैंड जो होते हैं वो हमें उसमें डिप क्यों नहीं करने चाहिए? ठीक है, तो आंसर आएगा वी शुड नॉट डिप आवर हैंड्स इन ए पौंड बिकॉज पौंड वाटर कंटेन्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया विच कैन इन्फेक्ट आवर हैंड्स। जो पौंड वाटर होता है बच्चों, क्योंकि ये स्टैगनेंट वाटर होता है, ये रुका हुआ पानी होता है, तो हमने चैप्टर में पहले से ही पढ़ा है कि जो स्टैगनेंट वाटर होता है इसमें मॉस्किटो भी ब्रीड करते हैं, तो इसमें बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं जो क्या करते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं। तो अगर हम अपने हाथों को इसमें डिप करेंगे, इसमें डुबा देंगे अपने हाथ इस पौंड वाटर में, तो क्या हो सकता है, जो ये बैक्टीरिया और जर्म्स इसमें होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड जर्म्स, तो ये हमारे हैंड को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, फिर वो हाथ हम अपने चेहरे पे या मुंह में या कहीं भी डालेंगे तो उससे हम फिर बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए हमने आंसर लिखा है वी शुड नॉट डिप आवर हैंड्स इन अ पौंड बिकॉज पौंड वाटर कंटेन्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया विच कैन इन्फेक्ट आवर हैंड्स। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ज्यूरिंग मूनसून वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। मूनसून जब आता है तो तब हमें बॉइल्ड वाटर क्यों पीना पड़ता है, हमें क्यों बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए ड्यूरिंग मूनसून? क्योंकि बच्चों जो मूनसून होता है, मूनसून में बारिश गिरती है, बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, तो जो हमारा वाटर होता है, चाहे वो नदी हो, वेल्स हो, पॉन्ड्स हो, जो भी हमारा वाटर सोर्स होता है, तो उसमें जो वाटर है वो हर जगह से उसमें पहुंच जाता है, चाहे वो ड्रेन्स का पानी हो या कहीं से, क्योंकि मूनसून में बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, तो वो बारिश अपने साथ मड, सैंड वगैरह और बहुत सारे केमिकल्स अपने साथ ले आती है, ड्रेनेज वाटर वो सारा उसमें जाता है, तो उससे क्या होता है, जो ये वाटर हमारा होता है वो बहुत ही इम्प्योर बन जाता है। अगर हम वो वाटर पियेंगे तो उससे हम बेशक बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग मानसून वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद हार्मफुल जर्म्स,
तो जो मूनसून का सीज़न जब आता है तो जो हमारा पानी होता है ये क्या होता है, कंटेमिनेट होता है विद हार्मफुल जर्म, इसमें हार्मफुल जर्म्स ऐड हो जाते हैं। सो वी शुड ड्रिंक बॉयल्ड वाटर ड्यूरिंग मूनसून। तो इसलिए हमें बॉयल्ड वाटर पीना चाहिए मूनसून के दौरान, क्योंकि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो इसमें जो ये होते हैं हार्मफुल जर्म्स वो मर जाते हैं, तब हमारा पानी जो है वो प्योर बन जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मानसून के दौरान हमें क्या पीना चाहिए, हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वो बॉइल्ड वाटर जो होता है वो जर्म फ्री होता है, उसमें कोई जर्म नहीं बचता है फिर जब हम उसको बॉयल करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, कल हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।